Hello everyone. Today I'm here with you to present OMR filling strategy NEET exam. OMR filling NEET exam का एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा फैक्टर है जो आपके सिलेक्शन को चाहे तो रुकवा सकता है, चाहे तो करवा सकता है. चाहे आपको सब कुछ क्यों ना आता हो, चाहे आपने सारे क्वेश्चंस क्यों ना कर लिए हो, लेकिन अगर आपकी OMR filling की स्ट्रेटेजी सही नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. तो आप नीट के एग्जाम में OMR को कैसे फिल करें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है इसके लिए मैं आपको आज शेयर करना चाहूंगा जो मैंने पर्सनली किया था, और कौन कौन से ऐसे वेज होते हैं जिससे आप OMR को फिल कर सकते हैं मैं आज आपको ये भी बताऊंगा. सबसे पहला वे जो होता है OMR फिलिंग करने का वो होता है कि आप साइमल्टेनियस बबलिंग करते रहो. क्वेश्चन किया और उनकी बबलिंग आप साथ में करते रहो, ये सबसे पहला वे होता है. मोस्ट ऑफ द बच्चे इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने इसको पर्सनली फॉलो नहीं किया था क्योंकि इसके एक नुकसान मुझे ये लगा था क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, और दूसरा नुकसान ये लगा था मुझे इसमें इस वाले मेथड में. सेकंड नुकसान ये लगा था मुझे कि कंसंट्रेशन लैक हो जाता है. मान लो कि आप फिजिक्स कर रहे हो किसी एक क्वेश्चन को, कि आपने क्वेश्चन है मैकेनिक्स का, आपने कर लिया, आपका पूरा माइंड उस पर्टिकुलर मेथड पे लग गया. मान लो अगला क्वेश्चन मैकेनिक्स का ही है, तो पहले आप मान लो बबलिंग कर लोगे, तो बबलिंग करते वक्त आपका माइंड मैकेनिक्स से हट गया और आपको फिर से कंसंट्रेशन बनाना होगा अगले क्वेश्चन के लिए. लेकिन अगर आप मान लें दोनों क्वेश्चन का, मैकेनिक्स के दोनों क्वेश्चन आप साथ में करते तो कंसंट्रेशन का आपको फायदा मिलता, लेकिन बबलिंग की वजह से आपने उस कंसंट्रेशन को तोड़ लिया. तो ये बच्चे कहते हैं कि कंसंट्रेशन लैक हो जाता है अगले क्वेश्चन के लिए, तो ये इसका नुकसान हुआ. जो दूसरा मेथड है आपको OMR फिलिंग का वो होता है सब्जेक्ट वाइज. बच्चे करते क्या है कि पहले किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कर लेंगे, मान ले बोटनी को कर लिया उसने, और फिर बोटनी का पूरा OMR शुरू से लेकर लास्ट तक भर देंगे. फिर आपने केमिस्ट्री कर लिया, केमिस्ट्री का पूरा OMR भर देंगे. इस तरह से पूरा पेपर करते हैं, ये भी सही है, बच्चे बहुत सारे इसको भी करते हैं. लेकिन इसका जो एक नुकसान जो बच्चे ही कहते हैं कि इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, ये है इसका नुकसान. और थर्ड और सबसे लास्ट मेथड और सबसे डेंजर मेथड कह लो ये है, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि आप पूरा पेपर कर लो, पूरा पेपर कर लो और फिर स्टार्टिंग से करो, पेपर को खोलो और फिर से OMR भरना शुरू करो. पेपर करने के बाद OMR भरो, ये सबसे लास्ट मेथड है जो बहुत ही ज्यादा रिस्कियर होता है. बच्चे बोलते हैं कि यार ये बहुत ही ज्यादा रिस्कियर मेथड है, तो मैं उनको एक जवाब देता हूँ, यार तुम नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, इससे बड़ा रिस्क क्या होगा. तो आप रिस्क थोड़ा और लो, मतलब आप प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी, आप अपनी प्रैक्टिस उस तरह से करो कि आप पूरा पेपर करने के बाद आप OMR को फिल कर सको, इस तरह से प्रैक्टिस करो. पर्सनली मैं अगर आप किसी एक को रिकमेंड करना हुआ मेरी तरफ से कि कौन से मेथड को आप चूज करो, तो मैं तो कहूंगा कि आप थर्ड वाले पे जाओ, मतलब पूरा पेपर कर लो, पर्सनली पूरा पेपर कर लो और लास्ट में OMR को फिल करो. इसके अपने रीजन, इसमें टाइम बच जाते हैं बहुत सारे. फिर भी अगर आप में से कोई चाहे कि मेरे लिए कौन सा मेथड बेस्ट है, तो आप एक काम करो, टेस्ट दो बहुत सारे ऑफलाइन टेस्ट दो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके. पहले किसी मेथड से भरो, अगले दिन किसी और मेथड से भरो, नेक्स्ट टेस्ट में किसी और मेथड से फिल करो, इस तरह से करो. फिर आपको अराउंड 20-25 टेस्ट के बाद आपको मालूम चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा मेथड सुइटेबल होता है. पर्सनली किसी एक को रिकमेंड करना हुआ और आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, तो आप थर्ड वाले पे जाए, मतलब पूरा पेपर कर ले और फिर आप उसकी फिलिंग करें. थैंक यू.